चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल 2019 को ध्यान में रखते हुए, अदर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जिसके 20 क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में आपके आते हैं हर साल, है ना। और लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, चाहे वो सीपीएसआई हो या कोई सा एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग 20 नंबर के आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते ही आते हैं। किसी में 10 नंबर का, किसी में 15 नंबर का, किसी में 20 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन से। चलिए देखा जाए, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है, आई आस्ड माई सिस्टर इफ शी वॉज गोइंग आउट फॉर हॉलीडे और नॉट। अब देखिए, अगर सेंटेंस केवल इतना होता इफ शी वॉज गोइंग आउट फॉर अ हॉलीडे, ठीक, अगर सेंटेंस इतना होता तो यहाँ पर इफ जो था वो 100% सही था। वैसे अगर हम बात करें तो इफ और वेदर में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन समानता क्या होता है कि वेदर अपने साथ और लेता है। वेदर और एक कॉम्बिनेशन है, कंजक्टिव कंजक्शन कहलाता है, ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है, जो आपस में रिलेट करता है। तो वेदर और एक कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर और दिया हुआ है, इसलिए इफ़ की जगह पर यहाँ पर हम वेदर का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर वेदर शी वॉज गोइंग आउट फॉर अ हॉलीडे और नॉट। अगला क्वेश्चन कहता है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हैंडसम, ठीक है। अगर सेंटेंस होता, इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एड हैंडसम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बोथ का यूज करते हैं, बोथ को सही मानते हैं, ठीक, जो कि हम मानेंगे ही मानेंगे क्योंकि पहले आया हुआ है, तो अगर बोथ की हम बात करें तो बोथ का जो कोरिलेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, एंड होता है। यानी कि बोथ अपने साथ जो कंजंक्शन लेता है, दूसरा कंजंक्शन, वो क्या होता है, एंड होता है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, ठीक है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। क्लियर है ना सभी को, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। अलग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके एग्जाम में, अगर हम मेंस की बात करें, सीजीएल 2019 मेंस की बात करें, तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, है ना। अदर एग्जाम्स में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो बहुत ऐसा कुछ होता नहीं इसमें, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा ग्रामर को इम्प्लीमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नो सूनर रिया रीच्ड द स्टेशन देन शी मेट हर फ्रेंड। कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस की मैं बात करूँ बच्चों, तो देखिए, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो उसको हम इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्जन फॉर्म में कहने का मतलब, नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक। किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर सेंटेंस शुरुआत एडवर्ब से हो, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक। यानी कि नो सूनर, तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो सब्जेक्ट डिड ही दिया हुआ है तो डिड आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो रिया आ जाएगी। तीसरा क्या होगा कि भाई किसी डिड के बाद, हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो नो सूनर डिड रिया रीच्ड, यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म है नहीं, शहीद हो गया, डिड रिया रीच ये हो सकता है, रिया डिड रीच्ड ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, और जब सेंटेंस एडवर्ब शुरू होता है तो वहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड रिया रीच, नो सूनर डिड रिया रीच, ठीक है, नो सूनर डिड रिया रीच। सेम क्वेश्चन वो भी है कि
सेम क्वेश्चन है आपका, जो हार्डली वाला स्ट्रक्चर होता है ना वो भी सेम क्वेश्चन होता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर मैंने कहा कि हार्डली हैड ही, तो हार्डली भी क्या है? एडवर्ब है और एडवर्ब सेंटेंस शुरू है, तुरंत बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। हार्डली हैड ही, या रिया को ही ले लो, तो हार्डली हैड रिया रीच्ड द स्टेशन, देन की जगह पर यहाँ वैन आ जाएगा, वैन शी मेट हर फ्रेंड। ठीक है, सेंटेंस में सेम बात है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, मैंने एडिशनली बता दिया आपको, एडिशनली मैंने आपको बता दिया कि हार्डली हैड रिया रीच द स्टेशन। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसलिए हमने रीच लगाया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए हमने रीच वाला आंसर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्याम गोज ऑफन टू चर्च एवरी संडे, श्याम गोज ऑफन टू चर्च एवरी संडे। अब देखिए जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, ऐसे एडवर्ब जो ये बताते हैं कि काम कितनी बार हुआ, ये मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, यानी कि ऑफन के बाद वर्ब आएगी। अब श्याम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गोज आएगा, ऑफन गोज टू भोले, तो कहाँ है ऑफन गोज टू? तो ऑफन गोज टू, ऑफन वेंट भी हो सकता था, लेकिन हमने वेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि एवरी संडे दिया हुआ है, और जो काम अक्सर होता है, बार बार होता है, रिपीटेटिव एक्शन जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ना कि पास्ट टेंस में। ठीक है, तो श्याम ऑफन गोज टू चर्च एवरी संडे, श्याम ऑफन गोज टू चर्च एवरी संडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ट्रैफिक इजंट एज बैडली एज इट वॉज दिस मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर एक बात, एज की बात करूं या सो एज की बात करूं, दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे बैड है, ठीक, तो बैड का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? सॉरी, बैड अपने आप पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव क्या होता है? वर्स। सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट। और इसका एडवर्ब क्या होता है? बैडली। ठीक है, तो इसका जो यहाँ क्या आएगा? बैड आएगा। द ट्रैफिक वॉज नॉट एज बैड एज इट वॉज दिस मॉर्निंग, इज नॉट सो बैड एज, यहाँ पर सो बैड एज भी हो सकता था, यहाँ पर सो बैड एज भी हो सकता था, लेकिन लेकिन द ट्रैफिक इजंट सो बैड, सो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए नेगेटिव ये स्टेटमेंट पहले से ही है, तो यहाँ सो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, ट्रैफिक वॉज नॉट, अब देखो ये सुबह की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये एक्शन अब हो रहा है, तो ये पास्ट हो गया, तो ये अभी प्रेजेंट में होना चाहिए, तो प्रेजेंट में कहाँ है? तो वजंट ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इजंट यूजुअली एज बैड एज दिस मॉर्निंग, बिल्कुल ट्रैफिक इज नॉट यूजुअली एज बैड एज इट वॉज दिस मॉर्निंग। वैसे यहाँ पर यूजुअली की भी ज़रूरत नहीं है, ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, द ट्रैफिक इज नॉट एज बैड एज इट वॉज दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा इज नॉट एज बैड एज, ठीक, द ट्रैफिक इज नॉट एज बैड एज दिस मॉर्निंग, जी आंसर ज़्यादा सही है, ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप अलग से लिख लो, हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से मतलब है, बात समझ रहे हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन कहते हैं आई हैव नेवर सीन सच बोरिंग मूवी। सच या क्वाइट की अगर हम बात करें, सच या क्वाइट की हम बात करें, अगर इनके बाद कोई एडजेक्टिव और नाउन का स्ट्रक्चर है तो इससे पहले आर्टिकल ए या एम जरूर आएगा। ठीक है, ही इज सच ब्रेव बॉय, गलत, ही सच
अ ब्रेव बॉय, तो सच अ बोरिंग मूवी, ठीक है, तो आई हैव नेवर सीन सच अ बोरिंग मूवी, आई हैव नेवर सीन सच अ बोरिंग मूवी। क्लियर सभी को? चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वी डिड नॉट एंजॉय आवर सेल्व्स ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड। अब कहता है वी डिड नॉट एंजॉय आवर सेल्व्स, ये एंजॉय के बाद हमने आवर सेल्व्स इसलिए लगाया कि एंजॉय हुआ, एक्यूट हुआ, रेस्ट्रिक्ट हुआ, प्रोस्ट्रेट हुआ, है ना, और कई सारे ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते ही लेते हैं अगर वो इंट्रांसिटिव फॉर्म में यूज़ किए गए हों तो। तो वी डिड नॉट एंजॉय आवर सेल्व्स, ठीक, ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड, तो हमने इंजॉय नहीं किया, तो नहीं किया भाई क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत ठंड थी, तो इंजॉय नहीं करने का हमको रीज़न दिखाना है, और रीज़न दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम लोग देयरफॉर का यूज़ करते हैं, और दो कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट दिखाने के लिए हमने क्या करते हैं, दो या ऑल्दो का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ रीज़न दिखाना है इसलिए बिकॉज का यूज़ करेंगे। वी डिड नॉट यूज़ आवरसेल्व्स, सो वी डिड नॉट एंजॉय आवरसेल्व्स बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, हमने मस्ती नहीं करी, कहा है भाई कि बहुत ठंड थी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है आकाश इज एडिक्टेड टू, तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्यता जो है वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सामान्यता टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन एडिक्टेड टू, गिवेन टू, टेकन टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, हैबिचुएटेड टू, प्रॉन टू, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ब होते हैं इन सब के साथ यहाँ पर हम लोग जीरंड यानी कि वी फोर या जीरंडियल नाउन का यूज़ करते हैं, है ना, तो इन सब के बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वी फोर का यूज़ करते हैं, ठीक, तो आकाश इज़ एडिक्टेड टू, तो वी फोर यानी गैम्बल जगह पर क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग, ठीक है, तो आकाश इज एडिक्टेड ऑफ गैम्बलिंग, नहीं, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, बिल्कुल सही जवाब, तो आकाश इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने कहा ही केम टू माई प्लेस विद अ व्यू टू मीट माई फादर, मैंने कहा ही केम टू माई प्लेस विद अ व्यू टू मीट माई फादर, तो विद अ व्यू टू मीट नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, मीटिंग, विद अ व्यू टू मीटिंग माई फादर, ठीक। अगला क्वेश्चन, शी वॉज सेइंग दैट हर फोर ईयर ओल्ड सन कैन नॉट बैथ हिमसेल्फ, तो क्या होगा, कैन नॉट बैथ, कैन नॉट बैथ, तो शी वॉज सेइंग दैट हर फोर ईयर ओल्ड सन कैन नॉट बैथ, ठीक है, ऐसा इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला आंसर इसलिए गलत हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला आंसर इसलिए गलत हुआ क्योंकि दे आर सर्टेन वर्ब जैसे कि बैथ, जैसे कि कीप, है ना, स्टॉप, टर्न, हाइड, इन सब के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि जो बैथ हिमसेल्फ है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शी वॉज सेइंग दैट हर फोर ईयर ओल्ड सन कैन नॉट बैथ, देखिए दो बैथ होता है, एक होता है बी ए टी एच बाथ, ये नाउन के रूप में होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है केवल स्नान या नहाना, वहीं पर बी ए टी एच ई वर्ब के रूप में काम करता है, इसका मतलब होता है स्नान करना, ये एक्शन को शो करता है, ठीक है, दोनों में अंतर है। अगला, सेरेना वॉज रिसेंटफुल मोस्टली बिकॉज शी न्यू दैट व्हेन इट केम टू बी हिम, व्हेन इट केम टू हिम, व्हेन इट केम टू हिम, सेरेना अपने बारे में बात नहीं कर रही, किसी और के बारे में बात कर रही है, शी न्यू दैट व्हेन इट केम टू हिम, जब ये उसके पास आता है, ठीक, या उस पर आती है,
केम टू हिम का मतलब होता है जब जिम्मेदारी किसी पे आती है या कोई कंडीशन किसी के सामने आती है, ठीक। केम टू बी हिज, केम टू बी हिज किसी को कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो व्हेन इट केम टू हिम शी कुड नॉट बी इम्पार्शियल एनी मोर, जब बात उस पर आती है, जब बात उसके लिए आती है तो वो और पार्शियल नहीं हो सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रिक आर ऑलवेज रिसीव्ड क्लोज दैट वर हैंडेड इन। हैंडेड इन का मतलब किसी से हैंड इन मतलब लेना, फ्रॉम हिज ओवरसाइज कजिन्स, ठीक। तो वो दैट वर हैंडेड उसको दिए गए, उसने किसी को नहीं दिए, ठीक। तो यानी कि ब्रिक को क्या किए गए, कपड़े दिए गए। तो यहाँ क्या होगा, ब्रिक ऑलवेज रिसीव क्लोज दैट वर हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन हमने ये क्यों लिया, वर हेल्पिंग वर्ब है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, पैसिव में होगा तो B3 आएगा, कंटिन्यूअस में होगा तो B4 आएगा। तो दैट वर हैंडेड डाउन, जो उसको दिए गए, समर्पित किए गए, उसको दे दिए गए, दान में दे दिए गए, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों ने आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की। किसी भी क्वेश्चन में किसी को फर्दर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आपको आज सेशन कैसा लगा जरूर आप बताइएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन आपका जीवन मंगलमय हो।